प्यारे बच्चों नमस्ते, और मेरे टीचर साथी जो हैं उनके लिए भी बहुत बहुत नमस्ते। आप टीचर साथियों के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि हमारी लैब में इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होने की वजह से हम प्रैक्टिकल के लिए प्रॉब्लम में आ जाते हैं और बच्चों को शायद उस चीज़ से वंचित होना पड़ता है। तो साथियों, ऑप्टिकल बेंच काफ़ी महंगा भी आता है, लेकिन बच्चे आप अपने घर में भी कर सकते हो, और साथ ही लोग जो है टीचर्स जो हैं वो बच्चों की मदद से एक इम्प्रोमाइज्ड ऑप्टिकल बेंच मैंने बनाने की कोशिश की है। सबसे पहले तो बच्चे आप घर में बनाएं, घर में आपके पास ये ग्राफ पेपर होते हैं, बहुत सारे होते हैं, आप वेस्ट भी करते थे कई बार, ये ड्राइंग शीट नहीं लेना तो चार्ट पेपर होता है उस पर ऐसे कट कर ले लें और इनको ऐसे चिपका के ऐसे लगाते जाएँ। मैंने यहाँ एक इंच टेप लिया है और इस इंच टेप में जो है मेरे साथी शशि जी भी इसको लेके आए थे और इन्होंने जो है ना इसको इस बेंच पे इस तरह से लगा करके आप देखें, मैंने बीच में जो है 5, 10, 15 ऐसा लिखा है ताकि आपको जल्दी से दिख जाएगा, बाकी इसमें इंच टेप में बिल्कुल नंबर होते हैं। इसी तरह से आप इसके अंदर भी जो है 1-1 सेंटीमीटर के हैं ये, तो 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर आप ऐसे कर सकते हो। जैसे हमने कहा ये 0 है तो ये 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ 5 लिख दिया, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे मैंने इसमें इंच टेप में लिखा है। और ये पीछे मुड़ा हुआ है, ये खाली 1 मीटर तक नहीं, आपका ऑप्टिकल बेंच जो 4,000-5,000 का लेते हो उसकी क्वालिटी इतनी नहीं अच्छी है, क्योंकि वो 1 मीटर से ज़्यादा काम नहीं कर पाएगा। तो इसमें हमारा ये और भी है, ये इंच टेप 150 सेंटीमीटर का होता है तो ये 3 मीटर का हो गया हमारा, तो हम इससे कर सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए आपने 10 पर आपने ये ले ली मोमबत्ती यानी कैंडल जला ली, इसके बाद आप जो है लेंस को आप अपने पास रीडिंग लेंस भी होता है आपके पास उससे जाना, या मम्मी की मदद लो, भाई की मदद लो, उसको फिर आपने कहा कि चलो मैं इसको जो है 40 पे रखता हूँ लेंस को, ये 40 पे लेंस रख दिया, ये मेरा देखिए शशि जी आ गए उधर दिखा दिया। उसके बाद बेटा स्क्रीन, अरे स्क्रीन क्या है, गत्ता है आपके पास, कॉपी है, कॉपी के बाद एक गत्ता है, मैंने भी ऐसे किया है, ये देखिए प्लेन शीट लगा दी और इसके हिसाब से ये लगा दो यहाँ पर, ये इसको स्क्रीन, अब इमेज जरा जलाइए, जरा देखिए क्या होता है। अब इस पर आप कहाँ पर रख रहे हैं, इसको रखिए कहाँ पर रखना चाहते हैं, कहाँ रख रहे हैं, 5 पे रखा आपने, ये जरा इसको लाइट ऑफ कर दीजिए तो थोड़ा जल्दी दिखेगा। ये देखिए उधर वो लाइट ऑफ करिए पहले उधर से, हाँ अब ये देखिए आपने कहाँ पर रखा, 5 पे, मैंने ये इसको रखा है 25 पे लेंस को। अब देखिए इमेज देखिए कैसे आ रही, तो बेटा ध्यान से देखो जहाँ इमेज जो है ना शार्प हो, ये देखिए ब्लड हो गई, इधर भी ये शार्पेस्ट जब होगी ये पोजीशन आ गई, आगे लाओगे देखिए तो दिस इज द शार्पेस्ट पोजीशन, इसकी पोजीशन नोट करो। और ये देखिए ये जो है 39 पे आ रही है शार्पेस्ट, देखिए शार्पेस्ट ये 39 पे है, तो ये 39 नोट किया, वहाँ 5 नोट किया, 5 हो इधर, ये 25 है, तो यू और वी कैलकुलेट हो गए। अभी हम इसको इतना ही बंद करता हूँ, मैं कैलकुलेशन समझाता हूँ, अगले वीडियो में बताता हूँ सारी चीज़ें।